नमस्कार दोस्तों, टैक्स पर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। बताऊंगा पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में। उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आपको भी ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलती है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चले चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, अपडेट निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रांतीय अध्यक्ष हैं प्रदीप श्रीवास्तव, उनकी तरफ से उन्होंने जो है एक पत्र के द्वारा मार्मिक अपील की है, एक पत्र भेजा है 16/7/2020 को, यानी कि 16 जुलाई 2020 को। और जो है पत्र के द्वारा मार्मिक अपील जो की है, किन किन को ये जो है पत्र भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को, दूसरा जो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी माननीय सांसद अमेठी को, और तीसरा श्रीमती मेनका गांधी जी माननीय सांसद सुल्तानपुर को भेजा है। इस पत्र में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए, इसमें लिखा है कि महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि आवश्यक है कि इस 65 लाख ईपीएस 95 के पेंशन देश विभिन्न औद्योगिक संस्थान, भारत सरकार के निगम, स्टेट सरकार के निगम, प्राइवेट औद्योगिक संस्थान में कार्य करते हुए अपने वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती हर माह कराते थे और देश के विकास में सहयोग करते थे। आज बदहाल जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इस महंगाई के समय में भी मात्र 300 रुपये से 3000 रुपये पेंशन के रूप में पाते हैं और स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए दूसरे पर आश्रित हैं। बहुत सारे लोग इस बुढ़ापे में भी मजदूरी करने को विवश हैं। सरकार इन्हें कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं देती और नए बीपीएल कार्ड धारक हैं जीवन मूल्य की सुरक्षा में जो है संघर्ष रहते हैं। माननीय मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रयास से दिनांक 4 मार्च 2020 को अपने साथ एक राष्ट्रीय संघर्ष समिति के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर 65 लाख वोदय ऐसे है निर्बल नागरिकों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए हमारी दुर्दशा से अवगत कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसद डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह को निर्देशित किया, जल्द निदान का आश्वासन भी दिया, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। माननीय सांसद मथुरा श्रीमती हेमा मालिनी जी ने दिनांक 2 जुलाई 2020 को प्रथम स्मरण पत्र भेजकर सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य किया। कोरोना महामारी में पेंशनर्स की दुर्दशा से प्रधानमंत्री जी को दोबारा स्मरण कराया है। महोदय, आप सभी से नव निवेदन है कि आप भी अपने स्तर से प्रयास कर उत्तर प्रदेश के 15 से 20 लाख पेंशनर्स की सहानुभूति प्राप्त करें और पेंशन के रूप में 7,500 रुपए महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा आयुष्मान योजना के अंतर्गत देकर सम्मान पूर्वक जीने का हक दिलवाने का प्रयास करें और यश की भागीदारी बने। धन्यवाद, प्रदीप श्रीवास्तव, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था जो है उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रांतीय अध्यक्ष हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी की तरफ से, उन्होंने जो है एक मार्मिक अपील एक पत्र के द्वारा की गई है। तो इस पत्र के द्वारा एक कोशिश की गई है, तो आगे देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है लगातार जो है सरकार से और सांसद के द्वारा जो है अपनी जो मांगे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता उनको दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और आने वाले टाइम में जो है आपको एक अच्छा अपडेट भी मिलेगा और हमें आशा है कि जल्द ही सरकार जो है इनकी जो मांगे हैं वो मान लेगी। तो बाकी आगे जो भी कोई अपडेट आएगा आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ पे बता देते हैं कि हम आपके साथ कोई भी गलत और जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। तो अगर आप ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।